नमस्कार, हम सभी पर महाराज जी का आशीर्वाद और बजरंग बली जी की कृपा सदैव बनी रहे। कहते हैं कि सच्चे हृदय से या सच्चे भाव से ईश्वर से की गई प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती, और हमारी जो ये प्रार्थना है वो ईश्वर तक पहुंचती ही है। बल्कि संतों का तो ये कथन है कि हम ईश्वर को याद नहीं करते, बल्कि ईश्वर जब हमें याद करते हैं तब हमें उनकी याद आती है। नहीं तो हम में इतनी सामर्थ्य कहाँ है कि हम उन्हें याद कर सकें। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिस पे हम खुद को भुला बैठते हैं और ईश्वर की याद हमें आती ही नहीं है। लेकिन परम दयालु ईश्वर जो हैं वो हम पर कृपा करते हैं और ऐसी परिस्थितियाँ बनाते हैं कि हम उन्हें याद करने लगते हैं। इसलिए जब कभी हम प्रार्थना करते हैं ईश्वर की, तो ये प्रार्थना उन तक पहुँच रही होती है। महाराज जी ने कई ऐसे मौके पर इस बात को अपने भक्तों को बताया भी है। एक दृष्टांत है कि बाबा जी के कैची धाम के आश्रम में एक वृद्ध माता वहाँ पर उनके दर्शन के लिए गई थी और कुछ दिनों से वहाँ वो ठहरी हुई थी। लेकिन उनका एक क्रम था कि रात्रि के 2 बजे वो जग जाती थी, और जग जाने के बाद वो बाबा जी को याद किया करती थी। रात्रि में 2 बजे उनकी नींद खुल जाती थी, और उसके बाद उनका एक क्रम था कि वो 1-2 घंटे बैठ करके राम नाम का जप करती थी, हनुमान जी की प्रार्थना करती थी और बाबा जी को भी याद करती थी। और ये बातें उन्होंने कभी किसी को बताई नहीं थी, किसी से कोई चर्चा नहीं की थी। एक बार की बात है कि जब 2-4 दिन ऐसे समय बीता तो बाबा जी अचानक रात्रि के 2 बजे स्वयं जग गए, और वहाँ पे जो कुछ लोग, जो कुछ भक्तगण सोए हुए थे, उन्होंने उनको जगाया और उनसे कहा कि जा करके देखो, एक वृद्ध माता बैठ करके मुझे याद कर रही है, उन्हें तुम यहीं बुला कर ले आओ, हम यहीं उनसे बातचीत करेंगे। तो लोग आनंद फानंद में दौड़ के गए तो देखा कि वो वृद्ध माता बैठ करके महाराज जी को याद कर रही थी। तो फिर वो लोग उनको बाबा जी के पास बुला कर ले गए। तात्पर्य ये है कि जो कुछ भी हम प्रार्थना करते हैं, जब भी हम ईश्वर को याद करते हैं, उनका स्मरण करते हैं, तो ये बातें ईश्वर तक पहुंच रही होती हैं। सच्चे हृदय से, सच्चे भाव से की गई हर एक प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती, निष्फल नहीं होती, उसका फल हमें अवश्य प्राप्त होता है। इस तरह के कई ऐसे दृष्टांत हैं। एक बार की बात है, ये लखनऊ की बात है, कि एक श्री जमुना दत्त पांडे जी लखनऊ में रहते थे। वो बाबा जी के अनन्य भक्त थे और सेवानिवृत्त थे। एक बार अपने समवयस्क लोगों के साथ वो टहल रहे थे, तब तक कोई मित्र उनके पास आए और उन्होंने पांडे जी को कहीं से उड़ती हुई एक खबर दी कि बाबा जी को पुलिस पकड़ के ले गई है और उनको जेल में बंद कर दिया है, और कोई काफ़ी जघन्य अपराध है जिसमें कि बाबा जी को पकड़ लिया गया है। ये कहीं से उड़ती हुई खबर आई और उनके मित्र ने आकर के उनको ये खबर सुना दी। इसके बाद जमुना दत्त जी काफ़ी विचलित हो गए। बाबा जी के अनन्य भक्त होने के कारण उन्होंने ये सोचा कि ये कैसे संभव है कि बाबा जी को किसी जुर्म में पकड़ लिया जाए, ये तो हो ही नहीं सकता, सोचा ही नहीं जा सकता। बहुत ही विचलित अवस्था में वो अपने घर लौटे और रात्रि का उन्होंने भोजन भी नहीं किया। घर वालों ने पूछा कि क्या हुआ है, तो उन्होंने घर वालों से भी सारी बात छुपा ली, उनको भी कुछ नहीं बताया कि बाबा जी को किस तरह से पुलिस पकड़ करके ले गई है, उन्होंने बाबा जी के बारे में क्या बातें सुनी है, क्या खबर सुनी है, ये कुछ भी उन्होंने किसी को नहीं कहा। उन्होंने रात्रि का खाना भी नहीं खाया, सोने चले गए तो रात में उनको नींद भी नहीं आई, बार बार उठ उठ करके बाबा जी को याद कर रहे थे, उन्हीं के नाम का जप कर रहे थे, और उसके बाद वो गजेंद्र मोक्ष का पाठ करने बैठ गए। कई बार रात्रि में उन्होंने गजेंद्र मोक्ष का पाठ भी कर लिया और साथ ही मन ही मन बाबा जी से प्रार्थना करने लगे कि अगर बाबा जी के प्रति मेरा विश्वास सच्चा है, और बाबा जी तो हनुमान जी के अवतार ही हैं, ऐसा हो नहीं सकता कि वो किसी जुर्म में पकड़े जाएं। अगर मेरा भाव सही है, मैं जो सोच रहा हूँ वो बिल्कुल सही है, तो बाबा जी मुझे सुबह ही दर्शन देंगे। इसी भाव के साथ पूरी रात्रि का पहर उनका निकल गया। सुबह के जब 4 बजे तो उनकी आंख लग गई और वो सो गए, और सुबह 5:30 बजे उन्हें दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ सुनाई दी, और दरवाज़ा खटखटाने की जो आवाज़ आ रही थी तो जमुना जमुना कह करके कोई उनको बाहर से पुकार रहा था। तो जमुना दत्त जी ने कहा कि ये तो उन्हीं का नाम कोई पुकार रहा है, लेकिन इसके पहले जब भी बाबा जी आते थे तो शांता कह करके पुकारते थे। शांता उनकी पत्नी थी। महाराज जी जब भी उनके घर आते थे तो हमेशा उनकी पत्नी के ही नाम से पुकारते थे, लेकिन आज तो कोई जमुना जमुना कह के पुकार रहा है।
तो भागते हुए वो गए और जा करके जब वो दरवाज़ा खोले तो देखा कि सामने बाबा जी वहाँ साक्षात खड़े हैं। प्रेम और भाव से विह्वल होकर के उनकी आंखों से आंसू झड़ने लगे और जमुना दत्त जी बाबा जी के चरणों में लिपट कर फूट फूट कर रोने लगे। बाबा जी बार बार कहते रहे कि उठ जाओ उठ जाओ, लेकिन वो उठ ही नहीं रहे थे। ये जो भाव दशा थी, ये वही भाव दशा थी जिसमें भगवान राम से हनुमान जी की मुलाकात होती है। बाबा जी बार बार जमुना दत्त जी को उठाना चाह रहे थे, पर वो उनके चरण छोड़ ही नहीं रहे थे, वो उठ ही नहीं रहे थे। फिर कुछ देर के लिए बाबा जी उनके घर पर ही रुक गए। बाबा जी ने कहा कि मैं तो कानपुर की तरफ जा रहा था। फिर उनके साथ आए कुछ भक्तों ने बताया कि बाबा जी ने बीच में ही गाड़ी रुकवा दी और कहा कि हम कुछ देर के लिए जमुना दत्त के घर जाएंगे, गाड़ी घुमा लो। फिर बाबा जी कुछ देर जमुना दत्त जी के घर पर ठहरने के बाद अचानक बोले कि अब हम निकल रहे हैं। उन्होंने उनको आशीर्वाद दिया और उसके बाद फिर वहाँ से निकल पड़े। अब देखिए, तात्पर्य यहाँ पर ये है कि जब कई बार जब हम कहते हैं कि हम जो प्रार्थना कर रहे हैं, जो पूजा कर रहे हैं, न जाने हनुमान जी सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में बाबा जी ने ये स्पष्ट बता दिया है कि हम जो भी प्रार्थना करते हैं, जो भी पाठ करते हैं, वो निश्चित ही हनुमान जी तक पहुँच रहा होता है। एक उचित समय देख करके जैसे ही हमारी भाव दशा होगी, भीतर की विह्वलता होगी, भीतर की पुकार जिस प्रकार से होगी, उसी अनुरूप में ईश्वर जब चाहे वो हमें दर्शन दे सकते हैं, जब चाहे वो हम पे कृपा कर सकते हैं। हमारा प्रयास सिर्फ ये होना चाहिए कि हम ईश्वर की आराधना में लगे रहें, किसी प्रकार के किंतु परंतु से खुद को हटाकर निकालकर ईश्वर की शरण में ही रहें और इस भाव के साथ ईश्वर परम दयालु हैं, सब पे कृपा करते हैं तो मुझ पर भी कृपा करेंगे और मेरी हर प्रार्थना उन तक पहुंच रही है। इस भाव के साथ आप हनुमान जी की आराधना करें, उनकी शरण में रहें, तो महाराज जी की कृपा आपको ज़रूर प्राप्त होगी। मैं आशा करती हूँ कि आज का ये अंक आपको पसंद आएगा। आप अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर दीजिएगा। हम इस अंक को यहीं विराम देते हैं। मिलते हैं आपसे अगले अंक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय बाबा की।